दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग केबल बनाने वाली तीन दिग्गज कंपनियां पॉलीकैब इंडिया, फिनोलेक्स केबल्स और केईआई इंडस्ट्री, इन तीनों कंपनियों को फिनेंशियल पैरामीटर्स के आधार पर हम लोग रैंकिंग करेंगे और उसके बाद इसका मार्क्स निकालेंगे और इनके रैंकिंग के आधार पर जो मार्क्स प्राप्त होंगे उनके अनुसार दोस्तों हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें आज के डेट में जब ये कंपनियां 847 रुपये पर, 280 रुपये पर और 360 रुपये पर ट्रेड कर रही है तो कौन सी कंपनी आज के भाव में सस्ती लग रही है, और इन तीनों को हम लोग 1, 2, 3 अरेंज करेंगे कि कौन सी कंपनी सबसे सस्ती है और अच्छी है अभी वर्तमान भाव में, और सेकंड नंबर की कौन है और थर्ड नंबर की कौन है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में आप खुद डिसाइड करेंगे पूरे वीडियो को देख करके कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखेंगे और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने सही निर्णय लिया है या नहीं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल हम लोग 10 पैरामीटर पर इन कंपनियों का टेस्ट लेंगे और रैंकिंग करेंगे। पहला पैरामीटर है नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा है डिविडेंड यील्ड, तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी, चौथा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पाँचवा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, छठा है पेज रेशियो, फिर सातवां है डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसके बाद आठवां है दोस्तों इनका पी रेशियो, नौवां है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, और दसवां है लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स वेरिएशन किस प्रकार के रहे हैं। इनके आधार पर, इन 10 फिनेंशियल रेशियो के आधार पर हम लोग पॉलीकैब इंडिया, फिनोलेक्स केबल और केईआई इंडस्ट्रीज का हम लोग रैंकिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो फिनोलक्स इंडिया एक नंबर की कंपनी होती है, इसलिए इसे हम लोग एक नंबर का रैंक देंगे। और 8.6% एनपीएम यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ पॉलीकैब इंडिया 2 नंबर पर आती है और इसे हम लोग 2 नंबर का रैंकिंग देंगे। और इस तरह से केईआई इंडस्ट्रीज 3 नंबर पर आ रही है रैंक के हिसाब से, तो हम लोग इसे 3 नंबर का रैंकिंग देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों रैंकिंग दे दिया है नेट प्रॉफिट मार्जिन के आधार पर। अब दोस्तों हम लोग इसे डिविडेंड यील्ड के आधार पर देने की कोशिश करते हैं रैंकिंग। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा फिनोलेक्स केबल का देखने को मिल रहा है 1.96, उसके बाद दूसरे नंबर पर पॉलीकैब आती है और तीसरे नंबर पर केआई इंडस्ट्रीज आती है। इसलिए दोस्तों हम लोग एक रैंक देंगे फिनोलेक्स केबल को और दूसरा रैंक देंगे पॉलीकैब इंडिया को और तीसरा रैंक देंगे केआई इंडस्ट्रीज को। अब दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो सबसे अच्छा रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है के आई इंडस्ट्रीज का, इसलिए हम लोग इसे के आई इंडस्ट्रीज को एक नंबर रैंकिंग देंगे। दूसरे नंबर पर आ रही है पॉलीकैब इंडिया, तीसरे नंबर पर आ रही है फिनोलेक्स केबल। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको रैंक को बैठा देते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक नंबर पर के आई इंडस्ट्रीज आ गई और 2 नंबर पर पॉलीकैब इंडिया, 3 नंबर पर फिनोलेक्स केबल आ गई। अब दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आधार पर अगर हम लोग रैंकिंग करने की कोशिश करें तो पॉलीकैब इंडिया एक नंबर पर आती है 29.34% आरओसी के साथ, और दूसरे नंबर पर के आई इंडस्ट्रीज आती है। इसलिए अगर हम लोग इसका रैंकिंग करें दोस्तों तो हम लोग एक नंबर देंगे पॉलीकैब इंडिया को, 2 नंबर के ई आई इंडस्ट्रीज को, 3 नंबर फिनोलेक्स केबल को। अब दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के आधार पर अगर हम लोग नंबरिंग करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि एक नंबर रैंक पर जो आने वाली कंपनी है फिनोलेक्स केबल्स है,
क्योंकि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी ज्यादा है, 287 टाइम्स देखने को मिल रहा है। और दो नंबर पर पॉलीकैब इंडिया आ रही है, जिसका कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 16.56 देखने को मिल रहा है। और तीन नंबर पर केईआई इंडस्ट्रीज आ रही है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के आधार पर भी रैंकिंग कर लिया। अब हम लोग पेज रेशियो के आधार पर अगर रैंकिंग करने की कोशिश करें तो सबसे कम जो रेशियो देखने को मिल रहा है पेज का, वो देखने को मिल रहा है केआई इंडस्ट्रीज का। वो एक नंबर पर इनको रैंकिंग दे देते हैं। दो नंबर पर पॉलीकैब इंडिया आ रही है, तीन नंबर पर फिनोलेक्स केबल आ रही है। इस तरह से हम लोगों ने पेज रेशियो के आधार पर भी रैंकिंग कर लिया। अब दोस्तों हम लोग डेट इक्विटी रेशियो के आधार पर रैंकिंग करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि डेट इक्विटी जो सबसे कम देखने को मिल रहा है वो फिनोलेक्स केबल को देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे हम लोग एक नंबर रैंकिंग देते हैं। दो नंबर पर 0.04 के साथ पॉलीकैब इंडिया आती है, तीन नंबर पर केआई इंडस्ट्रीज आती है। अगर पी रेशियो के आधार पर अगर दोस्तों हम लोग इसका रैंकिंग करने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे कम पी देखने को मिल रहा है फिनोलेक्स केबल का, इसीलिए हम लोग इसे एक रैंकिंग देते हैं। दो नंबर पर केआई इंडस्ट्री जा रही है और तीसरे नंबर पर 17.23 पी रेशियो के साथ पॉलीकैब इंडिया आ रही है। अब दोस्तों अब हम लोगों ने पी के आधार पर रैंकिंग कर लिया। अब प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर रैंकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे कम प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है वो फिनोलेक्स केबल का है, इसलिए इसे हम लोग वन रैंक देते हैं। और उसके बाद 2.14 के साथ दूसरे नंबर पर केआई इंडस्ट्री जा रही है, इसीलिए इसे दो रैंक दे रहे हैं। और तीन रैंक के साथ जो है पॉलीकैब इंडिया आ रही है। अब दोस्तों दसवां और अंतिम रेशियो जो कि सेल्स वेरिएशन है लास्ट 3 ईयर्स का, उसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं सबसे अच्छा सेल्स वेरिएशन देखने को मिल रहा है केआई इंडस्ट्रीज का। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को पॉलीकैब का सेल्स वेरिएशन अच्छा देखने को मिल रहा है। इस आधार पर दोस्तों हम लोग केईआई इंडस्ट्रीज को एक रैंक देते हैं। दो रैंक पर आती है पॉलीकैब इंडिया, तीसरे पर फिनोलेक्स केबल आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इनके 10 फिनेंशियल पैरामीटर के आधार पर हम लोगों ने इन तीनों कंपनियों का जो कि केबल पावर केबल बनाती है इनका रैंकिंग हम लोगों ने कर लिया। अब दोस्तों अब हम लोग इसका मार्क्स निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग फार्मूला बना लेते हैं कि जिस कंपनी का रैंक 1 आया है उसे हम लोग 15 मार्क्स देंगे, जिस कंपनी का रैंक 2 आया है उसे हम लोग 10 मार्क्स देंगे, और जिस कंपनी का रैंक 3 आया है उसे हम लोग 5 मार्क्स देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन के आधार पर हम लोग फुल मार्क्स देने की कोशिश करें तो एक नंबर जो आया है वो फिनोलेक्स केबल को आया है नेट प्रॉफिट मार्जिन में, इसलिए हम लोग इसे 15 मार्क्स दिए हैं। दो नंबर पर पॉलीकैब इंडिया आई है, इसीलिए हम लोग इसे 10 मार्क्स दिए हैं। और केईआई इंडस्ट्रीज तीसरे नंबर पर आई है, इसीलिए हम लोग 5 मार्क्स दिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इनका जो रैंकिंग है उसके आधार पर हम लोगों ने मार्क्स बैठा दिया है। बाकी सारे पैरामीटर को भी हम लोग इसी तरह चेक कर लेते हैं। और अगर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें दोस्तों तो एक नंबर पर फिनोलेक्स केबल आ रही थी इसलिए हम लोगों ने 15 मार्क्स दिया है। दो नंबर पर पॉलीकैब आ रही थी इसलिए 10 मार्क्स दिया है। और केईआई इंडस्ट्रीज तीन नंबर पर आ रही थी इसलिए हम लोगों ने 5 मार्क्स दिया है। इस तरह से सारे पैरामीटर आरओई, आरओसी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पेज रेशियो, डेब्ट इक्विटी और पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर और सेल्स वेरिएशन लास्ट 3 ईयर्स के आधार पर हम लोगों ने इसका फुल मार्क्स बैठा लिया है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में पॉली कैब इंडिया, फिनोलेक्स केबल्स और केईआई इंडस्ट्रीज का हम लोगों ने रैंकिंग किया है 10 फिनेंशियल रेशियोज के आधार पर। उसके आधार पर हम लोगों ने मार्क्स भी निकाला है। अब दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के ये बताएं कि तीनों कंपनियों को कितना कितना मार्क्स मिला है, और उसके आधार पर आप खुद ही मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन तीनों कंपनियों में बेस्ट कौन सी है अभी के वर्तमान भाव में, और किस कंपनी में आप निवेश करना चाहेंगे, कौन सी कंपनी 1 नंबर की है, कौन सी 2 नंबर की है, कौन सी 3 नंबर की है। हालांकि
हो सकता है कि दो कंपनियों का नंबर टाई हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कमेंट के माध्यम से कि किस कंपनी को टाई के स्थिति में आप किस कंपनी को सेकंड पोजीशन देंगे और किस कंपनी को थर्ड पोजीशन देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मैं देखूंगा कि आप कितने लोग इस वीडियो को समझ पाए हैं और उसके हिसाब से आपने रैंकिंग किया है और सही स्टॉक का सिलेक्शन किया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को काफ़ी पसंद करेंगे और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।